नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद मऊ के चिरैयाकोट नगर पंचायत में धरने से चल रहे हैं वोटर लिस्ट में फर्जी को लेकर। वोटरों से लेकर नगर पंचायत प्रत्याशी तक उच्च अधिकारियों तक कई बार शिकायत की गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ने जांच टीम बैठा। जांच के उपरांत अधिक लोगों का नाम काट दिया गया। नाम कटने की सूचना मिलते ही कुछ लोग आग बबूला हो गए। बीएलओ बिरबल राम प्राथमिक विद्यालय चिरैयाकोट के वार्ड नंबर 1 के रसूलपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। बीएलओ ने बिरबल राम ने अपनी जान माल की गुहार लगाते हुए उप जिलाधिकारी और थाना अध्यक्ष चिरैयाकोट को तहरीर दिया है। उन्होंने बताया कि टेलहुआ चकवली ग्राम सभा निवासी रामविलास यादव व कैलाश यादव व अन्य लोग नाम काटने की सूचना पर विद्यालय परिसर में आकर जाति सूचक शब्दों के माँ बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकियां भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास सरकारी पिस्टल भी है और वह सफाई कर्मी भी हैं, जिनका मकान आजमगढ़ व मऊ दोनों जिले में पड़ता है। दोनों जगह का नजायज फायदा लेने के लिए हमारे ऊपर गलत नाम कटवाने को लेकर आग बबूला हो गए, जिसकी शिकायत थाना प्रभारी चिरैयाकोट को दी गई, लेकिन दो दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं किया गया। बीएलओ ने यह भी बताया कि विद्यालय परिसर में भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकियों से हम व हमारे बच्चे काफी भयभीत हैं और हमारे मान सम्मान पर काफी ठेस पहुंची। देखना अब यह है कि बीरबल राम को कहां तक न्याय मिलता है। पड़ेगा आपका बीरबल राम जी? बीरबल राम जी रहने वाले कहां के हैं? गड़ियाधर के। जिला कौन सा लगता है? मऊ। थाना क्या है? चिरैयाकोट। क्या समस्या हुई, क्या बात हुई थी? बात सर ये हुई थी कि बेलों के नाम घटाने बढ़ाने में मतलब लोग आके विवाद कर दिए। कैसा नाम घटाने बढ़ाने में? इसमें नाम बेलों का काम ही है कि मतलब कुछ लोगों का नाम जोड़ेगा, जो नहीं रहते हैं मर गए हैं उनका नाम घटाना बढ़ाना है। हाँ हाँ। तो वो आए तो कहे कि हमारा नाम कैसे कट गया। कौन कहा? ये कैलाश रामविलास यादव थे जी। नाम कैसे कट गया? मैंने कहा कि भैया उसमें आप लोगों के नाम पर आपत्ति पड़ी थी DM साहब के यहाँ और SDM साहब के यहाँ जी। वहाँ से लोग जांच करने आए थे और गांव में घूम घूम कर पता किए हैं कि मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम वास्तव में कटा तो क्यों कटा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब गांव वाले में घूम घूम कर बताए और जो बताएं वो किए होंगे, उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। लेकिन वो आने के बाद यहाँ जब लाख रिक्वेस्ट किए लेकिन वो माने नहीं, माँ बहन की गाली देने लगे। आपको जी कौन दिया था? धमकाने लगे तुमको पढ़ाने लायक नहीं, छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मजबूर होकर मैं अपने अधिकारी को बताया तो कहे ठीक है पहले आप जाओ दरखास्त दो, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो दरखास्त कहाँ दिए आप? थाने में जी। कब दिए एप्लीकेशन थाने में? कल सुबह 1-2 बजे के लगभग दिया था। कल क्या तारीख थी? कल 8 तारीख थी जी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।